हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम नैनीताल पहुँचे हैं और बस यहीं से हल्द्वानी जाएंगे। कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो हम यहाँ से दोनों माँ बेटे हल्द्वानी के लिए निकल रहे हैं। बेटों को हमने नैनीताल छोड़ दिया है, हमारा हल्द्वानी में कुछ अर्जेंट काम है, उस काम को करके हम वापस अपने घर अल्मोड़ा जाएंगे। मैंने सोचा आपके साथ रानी के नैनीताल से हल्द्वानी का ब्लॉग शेयर किया जाए। मैं आपके लिए वीडियो शेयर कर रही हूँ और बना रही हूँ। पहले वीडियो में भी आप उसको देख चुके हैं, तो हमको सडनली काम पड़ा इसलिए मैं वापस दोबारा हल्द्वानी जा रही हूँ। नैनीताल हमने क्रॉस कर लिया है। नैनीताल में मौसम अच्छा हो रहा है, बहुत काफ़ी ठंड हो रही है और बारिश भी हुई थी सुबह। अभी दिन के आई थिंक 1:30 से ऊपर बजा है, 2 बजे हैं। किलोमीटर हल्द्वानी है तो हम टाइम पर पहुँच जाएंगे। आपने स्क्रीन में देखे हल्की छींटें पड़ रहे हैं, थोड़ी सी फुहारें पड़ रही हैं, बारीक सी बारिश हो रही है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इसके मुकाबले हल्द्वानी में बहुत गर्म है। वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, बिल्कुल बहुत प्लेन्स की तरह गर्मी है वहाँ पर, क्योंकि जहाँ घनी आबादी है, पेड़ कम होते हैं, वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चारों तरफ आप देख रहे होंगे बहुत हरे भरे पेड़ हैं, बहुत सुंदर सी एक रोड है, क्लीन साफ बिल्कुल। इसमें गाड़ी चलाने में बहुत अलग ही आनंद आ रहा है हमें। मुझे लग रहा है कि आप भी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ। सुंदर जंगल है आसपास। ये हम बीच में कहीं एक पानी की प्यास मुझे बहुत लग गई है, दिन भर बहुत धूप हो रही है रास्ते में, तो इस वजह से मैं मुझे अच्छा सा जंगल दिखा, थोड़ा कोहरा सा भी पीछे दिखाई दे रहा है। काफ़ी समय से हम सफ़र कर रहे थे सुबह से, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर गाड़ी रोकी है। इसलिए सोचा कि आपके साथ ये छोटा सा पीछे का बैक का जंगल का व्यू शेयर किया जाए और अपनी पानी पी के प्यास भी बुझाई जाए। तो मैंने पानी हानी पी लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलेंगे, देखिए कितना सुंदर जंगल पीछे दिखाई दे रहा है। ये हम पहुँच गए हल्द्वानी। बहुत गर्मी है यहाँ पर, आपको पता है ये मेरी फेवरेट जगह है केएफसी। यहाँ हल्द्वानी आऊँ और मैं केएफसी ना लूँ ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मुझे बहुत केएफसी पसंद है। आप भी कह रहे होंगे कि कितना केएफसी जाती हैं ये। मैंने अपना ऑर्डर अंदर दे दिया है, आपका बेटा है, तो दोनों हम यहाँ से केएफसी बाय करेंगे, लेकिन यहाँ खाएँगे नहीं, हम घर जाके खाएँगे। बहुत लेट हो गए हैं, 5 करीब समथिंग में यहीं बज गए हैं। मेरा ऑर्डर भी रेडी हो गया है लगभग। ये ऑर्डर मैंने किया था 2 बकेट केएफसी चिली लेग पीस, तो इसको हम घर ले जाएंगे, वहाँ हम इंजॉय करेंगे। हमारे साथ आप भी इंजॉय कीजिए इसको। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे पायलट बाबा मंदिर की तरफ चलेंगे। ये है पायलट बाबा मंदिर या पायलट बाबा आश्रम भी कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, एक आश्रम हल्द्वानी नैनीताल और इसके नैनीताल के बीच में ये बसा हुआ है। बहुत ऊंची पहाड़ियों पर है, बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है, चारों तरफ हरे भरे जंगल हैं। उनको जल्दी हो रही है इसलिए हम इसको आपको गहराई से अंदर तक ना दिखा पाएंगे, थोड़ा सा इसको कवर करते हैं। फिर से ही एक गाय है, इसके एक स्रोत का पानी आता है, नल लगा हुआ है, तो जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं यहाँ से समय से जा सकते हैं। लोकेशन में ये बना हुआ, अगर कभी आपका पहाड़ आने का मन हो तो। उत्तराखंड के हमारे फ्रेंड बाहर बसे हुए हैं, भाई बहन मित्र, वो जानते हैं कि इसकी खूबसूरती कितनी है, देखते ही बनते हैं। जो अनजान है अभी उत्तराखंड नहीं आए हैं, जो बाहर रहते हैं, तो एक तो मौसम का आनंद ले सकते हैं गर्मी में बहुत अच्छा, दूसरा यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। ये एक अच्छा पर्यटक स्थल है यहाँ पर, इसलिए मेरे को इसको अंदर जाने का टाइम नहीं है अभी। मैं गेट से ही आपको खाली बाहर के झलक दिखा रही हूँ। यहाँ कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, कुछ लोग इंजॉय करने आए हैं घूमने। मैंने सोचा थोड़ा सा हम भी इसको बाहर से कैप्चर करें। अंदर मैं गई हूँ इसके बहुत बार, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आते हैं हर साल, हर महीने। ये ऐसा नहीं है कि कई सीज़न में चलता है, 12 मास खुला रहता है। और बहुत सुंदर खूबसूरत आश्रम ये है। यहाँ कई मैंने कुछ बाबा लोग भी देखे अंदर काफ़ी, और श्रद्धालु भी बहुत देखे। तो बहुत अच्छी लोकेशन में ये मंदिर बना है और आसपास बहुत हरियाली है। आप भी आएँ कभी यहाँ एंजॉय करें। ये इसका जहाँ आश्रम है अंदर, ये देखिए बाहर कितनी सुंदर मूर्तियाँ लगी हैं भगवान शिव की, और भी मूर्तियाँ यहाँ लगी हैं, माता अनुसुईया हैं या कौन से भगवान ये हैं, ये भी लगी है। एक गेट है इसका अंदर आश्रम का, दूसरा जहाँ साधु महात्मा लोग निवास करते हैं। गणेश भगवान और एक बरदायिनी मैया मूर्ति लगी है। बहुत सुंदर लोकेशन में देखिए, हरियाली बहुत है यहाँ चारों तरफ। कैमरे में तो इतनी कैप्चर हो नहीं पड़ी हो रही है, मैं मोबाइल से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, इतना इसमें दिख नहीं रहा है। अब आँखों से इसका प्रत्यक्ष देखेंगे तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति इसमें। ये साधु बाबा यहीं जो रहते हैं आसपास, इस आश्रम में ये जा रहे हैं आगे आश्रम में, इधर साधु बाबा भी रहते हैं साथ में। यहाँ
चलिए आपको एक झलक दिखाते हैं। ये मैंने सोचा अपने साथ ये पीछे के कवर इसको कवर किया जाए, साथ में बेटा भी है। थोड़ा मास्क हटा लो पहले, ये बेटा और मैं हैं दोनों। कितना सुंदर व्यू पीछे देखिए आया है। तो मैंने सोचा घर को जा रहे हैं रास्ते में ये पायलट बाबा मंदिर या आश्रम आप जो भी कहते हैं वो पड़ रहा है, तो आपके साथ इसको शेयर किया जाए, शूट किया जाए। देखिए इसकी हरियाली कितनी सुंदर है, बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे इसमें आसपास लगाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत ये व्यू दे रहा है। अब यहाँ से हम घर को जाएंगे या हम निकल गए हैं आश्रम से आगे, एक मंदिर और हमें आगे पड़ा है। ये भवाली मिलेगी ये रोड, बस यहाँ से भवाली बहुत कम दूर है और बहुत सुंदर यहाँ कुछ फ्लैट बने हुए हैं, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ बहुत लोग आके अपनी फ्लैट खरीदते हैं, रहते हैं, इंजॉय करते हैं समर में या विंटर में। विंटर में धूप के लिए बहुत अच्छा है, समर में ठंडों के लिए एक अच्छी सी लोकेशन है ये। बहुत ताजगी भरी हवा यहाँ रहती है। इसके व्यू से आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि पीछे कितनी हरी भरी इसके खेत हैं, कितना हरा भरा जंगल दिख रहा है चारों तरफ, और बहुत अच्छी रोड में भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो यहाँ लोग आके अपना फ्लैट खरीदते हैं और रहते हैं छुट्टियों में। तो आप चाहें कभी अगर आपको लगता है कि पहाड़ में बसना चाहिए या, तो आप यहाँ एक अच्छा सा फ्लैट अपने लिए ख़रीद सकते हैं। यहाँ सेल के लिए फ्लैट बनते रहते हैं। इस रोड का हमारे साथ आप आनंद लीजिए। वीडियो में कोई मिस्टेक हुई है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरे वीडियो को कोई उत्तराखंड के भाई बहन देख रहे हैं तो वो तो सारी उत्तराखंड की लोकेशन उन्हें पता होती है। अगर कोई अनजान बंदा बाहर का या कोई मेरे नए भाई बहन नए मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, वीडियो में कमेंट करें, इसको शेयर करें। भूख बहुत लग गई है, ये सोचा कुछ खा लेते हैं, इसलिए देखिए ये हम पहुँचे हैं किरोरा रेस्टोरेंट, जहाँ मैंने मटन चावल ऑर्डर किया है। चटपटा सा मटन और चावल, क्योंकि बहुत लेट हो गई है, सुबह से कुछ ऐसा खास खाया नहीं था, हल्का सा नाश्ता किया था तो सोचा कि कुछ ऐसा खा लिया जाए। हमारे साथ आप भी इंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा मटन बना है, स्पाइसी सा, और चावल बने हैं, तो पेट पूजा की जाए थोड़ी, हमारे साथ आप भी कीजिए। अब हमने मटन चावल पेट भर के खा लिया है, पेट भी भर गया है, अब हम निकलेंगे यहाँ से। ये कैंची बाबा मंदिर की एक झलक आपको शेयर कर रहे हैं। किरोरा रेस्टोरेंट से नीचे ये कैंची धाम मंदिर है, यहीं पर किरोरा रेस्टोरेंट भी है। की तरफ बढ़ते हैं आगे, ये कैंची मंदिर के पास ही एक छोटा सा मंदिर और है, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। इसे साईं बाबा मंदिर भी कहते हैं क्योंकि इसमें साईं बाबा की बहुत अच्छी मूर्ति लगी है। ये हम पहुँचे हैं खैरना, मैं कैप्चर करना भूल गई थी इसलिए गाड़ी से उतर के उल्टा आपके साथ इस वीडियो को कैप्चर कर रही हूँ। पैदल चल के थोड़ा सा आगे निकल गए थे हम, पर मंदिर देखा तो बंद है, इसके कपाट बंद हैं। शायद पंडित जी ने पूजा कर दी होगी, शाम के 6:30 बज गए हैं इसलिए शाम की पूजा हो गई होगी, तो ये सब बंद है। दर्शन ऐसे कीजिए आप लोग। ये हम पहुँचे हैं भैरव मंदिर, उसके बगल में लगा है, यहाँ पंडित जी ऑलरेडी बैठे हुए हैं। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी सुन नहीं रहे हैं, पूजा में मगन हैं। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप सब? पंडित जी हमें प्रसाद देंगे, अब ये प्रसाद दे दिया उन्होंने हमें। ये भैरव बाबा की मूर्ति है, आप भी इसके दर्शन कीजिए, क्योंकि माँ के साथ भैरव की मूर्ति ज़रूर होती है, इसलिए ये खैरना में बहुत सुंदर मंदिर है। जो भी श्रद्धालु यहाँ सफ़र करता है तो यहाँ वो ज़रूर आता है, रात को शाम को जब भी वो आते हैं यहाँ पर। तो हमने अब पंडित जी से प्रसाद ले लिया है, तो अब हम घर को जाएंगे, बहुत रात हो गई है। ये रोड में देखिए कितना अंधेरा हो गया है, अभी रोड बन रही है, ये बहुत टूटी फूटी रोड है, ये हाईवे बन रहा है अल्मोड़ा बरेली मार्ग, मोटर मार्ग कहते हैं इसे। बीच में बारिश होने की वजह से रोड बहुत डैमेज हो गई थी, मैंने आपको कहा था कि इसका सफ़र बहुत थोड़ा सा टफ है। वैसे तो पहाड़ों में सफ़र बहुत अच्छा हो रहा है, पर रोड टूटने की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है। हमने पारा पार कर लिया है। यहाँ पर एक रास्ते में देखिए हनुमान मंदिर पड़ता है, बहुत खूबसूरत सा ये मंदिर है। हनुमान जी की बहुत सुंदर मूर्ति यहाँ लगी है और राम भगवान भी यहाँ स्थापित हैं। ये मंदिर पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुके हैं गुरुजी में, थोड़ा सा एक झलक अंदर से, तो उसमें भी मैं कवर नहीं कर पाई थी क्योंकि रास्ते में इतना ही कवर हो पाता है। अंधेरा रात में हो गया, कहीं लाइट नहीं है, पुलों में बहुत डार्कनेस हो रही है रोडों में, लेकिन ये रोड अभी ठीक है अल्मोड़ा की, ये इतनी रोड बारिश से डैमेज नहीं हुई है, बस इसमें इतना गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं हो रही है। पर फिर भी रात का समय है, थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और डार्कनेस रोड में है। देखिए यहाँ से अल्मोड़ा समथिंग करीब 18 किलोमीटर रह गया है, उसके बाद प्रॉपर अल्मोड़ा आ जाएगा। हम जैसे घर पहुंच जाएंगे टाइम पर, अब कोई बहुत सुनसान रोड है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, कोई ऐसा इतना ट्रैफिक नहीं है, इसलिए रोड
कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है। दुक्का गाड़ियाँ दिख रही हैं, उनकी रोशनी से थोड़ा हमें भी फ़ायदा हो रहा है कि चलो रोड दिख रही है आगे से। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई नए सब्सक्राइबर मेरे वीडियो में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। आप लोग ही हमारे लिए हमारा हौसला बढ़ाने वाले हैं। वीडियो में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, रात हो गई है। वीडियो को एंजॉय कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ आपका प्यार ऐसे बने रहे, आपकी तरफ आपकी याद हो। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।